अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। व्यूअर्स, मैं जा रहा हूँ यूएसए। इस वक्त हूँ मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे और 2 दिन पहले आया था मैं लंदन एक काम से। और चलते हैं यूएसए और आपको जाके दिखाते हैं यूएसए के नज़ारे। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, आखिर तक देखना। ये ट्रिप मेरा 4 दिन का है और 4 दिन के बाद मेरी वापसी है दुबई के लिए। और इंशाल्लाह इन 4 दिन के अंदर मैं बहुत ज़बरदस्त आपको न्यूयॉर्क के नज़ारे कराऊँगा। मैनहट्टन जाऊँगा, मैनहट्टन के, ब्रुकलिन ब्रिज के और स्टेचू ऑफ लिबर्टी के। देखें कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहना, ये वीडियो आखिर तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। Rack it up, rack it up. I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, shake it up. She got her hands on her knees and she bringing a cake out. Smoke it up. I got some gas, some packs. I'm up in the greenhouse. Viewers, सिक्योरिटी चेक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजी तरीके से हो गया। और आते ही मैंने, बाहर आते ही मैंने अब सिम कार्ड लिया है। ये लिया है एक कौन सा कंपनी का है, ये है टी मोबाइल का सिम कार्ड लिया है। ये मुझे पड़ा है $45 का। लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके अपने कंट्री अनलिमिटेड कॉल है, अपने चाहे वो आप दुबई में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो या यूके या यूरोप कहीं भी कॉल करो, वो अनलिमिटेड इंटरनेशनल कॉल्स हैं। तो बेटर है अगर आप ये ले लो, 30 डेज का प्लान है और बहुत सूटेबल है। चलें चलते हैं अब होटल की तरफ और वहाँ जाके आपको वहाँ के सीन दिखाते हैं। थका हुआ बहुत हूँ, बहुत व्यूअर्स। फाइनली मैं होटल में चेक इन कर चुका हूँ, रूम में आ चुका हूँ और बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो आपको बताता हूँ मैं आपको कि रूम मैंने ये कितने का लिया और कैसे लिया। रूम मैंने लिया है ये वीगो से, और वीगो से ये मुझे रूम पड़ा है पर नाइट तकरीबन $70। तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, पर नाइट $70 क्योंकि 4-स्टार होटल है। लेकिन इस पर ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है। मैनहट्टन के अंदर है, डाउनटाउन मैनहट्टन के बिल्कुल करीब है, यानी कि मैनहट्टन के अंदर ही है होटल ये, क्योंकि जितने भी साइट सीन हैं इसके बहुत ही नियरेस्ट हैं। तो व्यूअर्स, मैं भी आया हूँ एयरपोर्ट से उबर से, और उबर से पहले लगे हैं $50। और बहुत मुझे भी, क्योंकि थका हुआ ज़्यादा था, क्योंकि मैं बस और ट्रेन के झंझट में पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए सीधा तकरीबन 9.5 घंटे की फ्लाइट लेकर हालत बहुत ख़राब हो गई। Then once to show you my intention, my brain gets blocked at times, but now somehow. बस अपने होटल से निकल गया हूँ और मैं जा रहा हूँ इमरान भाई के साथ ब्रुकलिन ब्रिज, और फिर उसके बाद जाएंगे, किधर जाएंगे इमरान भाई? स्टेटन आइलैंड फेरी, जहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा स्टेचू ऑफ लिबर्टी का व्यू। तो व्यूअर्स चलते हैं और आपको दिखाते हैं न्यूयॉर्क की रोडें, जो कि बहुत ही कंजेस्टेड है और ट्रैफिक बहुत जाम रहता है। कैसा ट्रैफिक है इमरान भाई यहाँ पर? ट्रैफिक बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बिजी है। चले चलते हैं और देखते हैं न्यूयॉर्क की रोडें। Cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. ये तो ब्रुकलिन ब्रिज, और हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट साइट सीन की तरफ। और नेक्स्ट साइट सीन हमारा है, मैं आपको फेरी का टूर कराऊंगा स्टेटन आइलैंड की, सही है, स्टेटन आइलैंड की फेरी का टूर कराऊंगा, और उसके बाद फिर हम चलेंगे टाइम स्क्वायर की तरफ। व्यूअर्स, अभी मैंने बोट का टिकट लिया है $37 का। एक स्टेटन आइलैंड से फ्री बोट भी चलती है, लेकिन उसको अभी निकलने में 3 घंटा है, 3 घंटे बाद आएगी वो, तो उस मेरे पास टाइम नहीं था। और सर्दी का तकरीबन हिसाब किताब ये है भाई, इस वक्त का टेम्परेचर -3 और फील्स लाइक -8-9, हवा चल रही है बहुत ही शदीद किस्म की। व्यूअर चलते हैं अपने साइट सीन की तरफ और आपको दिखाते हैं साइट सीन। आई थिंक बोर्ड रेडी है और स्पीडली बोर्ड की तरफ चलते हैं। बोर्ड में जाने के बाद फिर आपको
रिवर के सीन दिखाएंगे और ये देखें आप कुछ इस तरीके से ये बोर्ड है। I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब जरूर करें कहीं आने वाली वीडियो आपको मिल सके।